सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस डेबिट कार्ड के बारे में। बेसिकली भाई ICICI का मेरा जो डेबिट कार्ड था वो एक्सपायर हो गया था। मैंने इसको भाई रिन्यू करवाया। रिन्यू करवाने के बाद देखते हैं भाई मेरे को अभी कौन सा डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया गया है। और जो मेरा फर्स्ट डेबिट कार्ड था वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि वो डेबिट कार्ड कौन सा था और ये डेबिट कार्ड कौन सा है। बेसिकली मेरा ये सैलरी अकाउंट का डेबिट कार्ड है। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना है। इस वीडियो में इसको अनपैक करने वाले हैं एंड आप लोगों को दिखाने वाले हैं इसका फर्स्ट लुक क्या है और इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मेरा जो डेबिट कार्ड था वो ये वाला डेबिट कार्ड था। बेसिकली ये 6/22 को एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बताया जरा है वीजा डेबिट कार्ड और ये भाई वीजा पेल्टेनियम कार्ड था जो NFC पेमेंट सपोर्ट करता था। जो मेरा भाई यहाँ पे देख लीजिए कार्ड का यहाँ पे नाम बताया गया है, ये मेरा भाई सैलरी अकाउंट का भाई ये कार्ड है। मेरा भाई सैलरी अकाउंट ओपन किया गया था कंपनी की तरफ से। सो उसी का ये कार्ड था, 2017 से मैं यूज करते आ रहा हूँ बट अब ये एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर हो जाने के बाद मैंने इसको भाई रिन्यू करवाया। रिन्यू करवाने के बाद आप लोगों को मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे रखा है कैसे आप रिन्यू करवा सकते हो। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा भाई यहाँ पे डेट बताया जरा है कौन से डेट को मैंने रिन्यू किया था। मेरा एड्रेस एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इस साइड में यहाँ पे QR कोड बताया जरा है, QR कोड स्कैन करोगे तो इसका iMobile एप्लीकेशन जो है उसे इंस्टॉल कर पाओगे। एंड्रॉइड में या प्ले स्टोर में आप इसे यूज कर सकते हो। स्टे सेफ बैंक ऑन एस का ऑप्शन मिल जाएगा, ICICI का आपको देखने को मिल जाएगा। एक साइड का बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए रिटर्न जो एड्रेस रहता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो डिलीवरी कुरियर जो रहता है वो इसमें आप लोग को टिक मार्क करना पड़ेगा, उनको टिक मार्क करना पड़ता है कि भाई किस वजह से ये डिलीवर नहीं हो पाया। सो बेसिकली हमें तो भाई रिसीव हो गया। सो हम इस बारे में क्यों बात करें, सबसे पहले तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आप लोग यहां से देख लीजिए ये पैकेजिंग आप लोग को हटाना पड़ेगा, ये भाई ग्लू के थ्रू चिपका रहता है। एक बार ये पैकेज ओपन हो जाता है सो दोबारा इसे आप भाई पैक नहीं कर सकते क्योंकि ये भाई देख लीजिए पूरा ये चिपका हुआ है। एक बार ये फट जाएगा सो आप दोबारा इसे पैक नहीं कर पाओगे। सो ये भाई ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हम पूरा निकाल लेते हैं। ये भाई पूरा MPD हो चुका है, देख लीजिए कुछ नहीं है इसके अंदर। सो इसको हम साइड में करते हैं। साइड में करने के बाद यहाँ पे मेरा एड्रेस है प्लस यहाँ पे देख लीजिए योर डेबिट कार्ड, यहाँ पे नंबर बताया जरा जो यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर है मेरा अकाउंट का, यहाँ पे 3 डिजिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे बताया गया ICICI डेबिट कार्ड इंस्टेंट जनरेट पिन फॉर योर डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग, आई मोबाइल या आप इसके ATM से मशीन से जाके आप पिन जनरेट कर सकते हो या आई मोबाइल एप्लीकेशन से या इंटरनेट बैंकिंग से या आप इसके कस्टमर को कॉल करके भी पिन जनरेट कर सकते हो। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए इसके भाई लिमिट के बारे में बताया गया है, आपका कार्ड नंबर, आपका अकाउंट नंबर प्लस यहाँ पे देख लीजिए डेली कैश विड्रॉ लिमिट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कितने का लिमिट है और यहाँ पे डेली कैश ट्रांजेक्शन लिमिट मर्चेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कितने का है वो यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कैंसिलेशन ऑन योर ICICI बैंक डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप लोग का पूरा डिटेल दिया गया डेबिट कार्ड के बारे में क्या है कैसा है आप लोग को सब कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगा। नीचे का बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए इनके जो हेड है उनका भाई यहाँ पे सिग्नेचर है। बाकी यहाँ पे आपको नंबर वगैरह देखने को मिल जाएगा, मिस कॉल देना है तो उधर से भाई एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सो इसके बैक साइड का बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे QR कोड दिया गया है जो इसका मोबाइल एप्लीकेशन का है। सो एनीवे में यहाँ पे बताया गया आई मोबाइल पे एप्लीकेशन ओपन करना है, अंडर सर्विस पे क्लिक करना है, कार्ड सर्विस पे क्लिक करना है, आप वहाँ से अपना कार्ड ब्लॉक कर सकते हो अनब्लॉक कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग बात करें तो ओपन करना है, कस्टमर सर्विस पे क्लिक करना है, सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप लोग बताया जरा कार्ड ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हो या अदरवाइज आप भाई कॉल कर सकते हो कस्टमर को और बोल सकते हो मेरा कार्ड चोरी हो चुका है, मैं अपना कार्ड भाई ब्लॉक करना चाहता हूँ। सो चलिए भाई अपने यहाँ से कार्ड हटा लेते हैं। बेसिकली ये भाई ग्लू के थ्रू यहाँ पे चिपका रहता है। सो ये देख लीजिए मैंने भाई कार्ड हटा लिया। हटा लेने के बाद यहाँ पे देख लीजिए पिन जनरेट करने का ऑप्शन बताया गया है या नहीं तो यहाँ पे आई मोबाइल पे आप लोग को लॉगिन करना है, कार्ड पिन सर्विस पे क्लिक करना है, डेबिट कार्ड पिन अपने जनरेट पे क्लिक कर देना है, आपका अपना पिन जनरेट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका भाई ये स्टिकर जो चिपका हुआ है ना यहाँ पे मेरा कार्ड नंबर है एंड यहाँ पे एक्सपायरी नंबर है। बैक साइड का बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह का भाई आप लोगों को नंबर देखने को मिल जाएगा, अल्फाबेट नंबर है, ये स्क्वायर रहता है, कोई भी इसमें आप लोग अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करोगे तब इसका जरूरत पड़ता है। बाकी अपना यह CVP नंबर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने भाई ये स्टिकर हटा लिया, स्टिकर हटाने के बाद अपना कार्ड नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक्सपायरी यहाँ पे 05/2022 एंड यहाँ पे 04/2029 में एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे मेरा नाम का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा फिरोज आलम एंड यहाँ पे ICICI बैंक डेबिट कार्ड बताया जरा NFC पेमेंट सपोर्ट है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें आप लोग का ये नहीं बताया गया ये कौन सा आपका कार्ड है, जैसे कि उसमें भाई कार्ड का नाम आप लोगों को दिखाया गया था लेकिन इसमें नहीं दिखाया गया था। सो एनीवे अब चलिए इसको भाई हम देखते हैं अपना पिन जनरेट कैसे करेंगे। सो सबसे पहले तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, यहाँ पे अपना आई मोबाइल पे एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आई मोबाइल पे एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोग को अलग से ये बताया जरा VVOL आप लोग को अगर प्री अप्रूव में कुछ भी ऑफर प्रोवाइड किया जाएगा वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मेरे को भाई प्री अप्रूव में
लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, बट मैं भाई लोन के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। सो अपना भाई इस कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड हो आईसीआईसी का, पिन जनरेट करने के लिए सिंपल सा आप लोगों को नीचे में सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कार्ड पिन सर्विस, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। अपना भाई कौन सा कार्ड का पिन जनरेट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड? सो हम भाई अपना डेबिट कार्ड का करना चाहते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा। अपना भाई डेबिट कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा कार्ड है। सो बेसिकली ये वाला फर्स्ट वाला जो है ये मेरा भाई कार्ड एक्सपायर हो चुका है, जो भाई ओल्ड कार्ड था जो मैंने आप लोगों को जैसे दिखाया। और ये भाई लास्ट वाला जो बताया जरा 02, ये वाला मेरा अभी का कार्ड है। सो इस पे हम क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पे सीवीपी नंबर फिल करेंगे, उसके बाद डेबिट कार्ड का पिन अपने तरफ से इधर फिल कर देना है, वही पिन इधर फिल कर देना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आपके कार्ड के पीछे यहाँ पे कुछ इस तरह का नंबर रहता है, जैसे कि ए में आपका कौन सा नंबर रहेगा, एच में कौन सा नंबर है, एम में कौन सा नंबर है, वो इधर फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल भाई फिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद योर पिन हैज बीन जनरेट सक्सेसफुल को ऑप्शन मिल जाएगा। मेरा भाई डेबिट कार्ड का पिन सक्सेसफुल जनरेट हो चुका है। मेरे को यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, देख लीजिए आपका आईसीआईसी डेबिट कार्ड का पिन यहाँ पे जनरेट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए सक्सेसफुल भाई जनरेट हो चुका है। सो अब मैं भाई इस कार्ड का यूज करके एटीएम विड्रॉ फीचर्स में यूज कर सकता हूँ, एटीएम विड्रॉ कर सकता हूँ या ऑनलाइन भाई इससे कहीं भी मर्चेंट पे जाकर पेमेंट कर सकता हूँ। भाई पिन जनरेट करने का यहाँ पे पूरा तरीका बताया गया है या नहीं तो यहाँ पे बताया गया है। आप मोबाइल बैंकिंग से कर सकती हो या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकती हो या अदरवाइज एटीएम मशीन पे विजिट करके कर सकती हो या अदरवाइज कस्टमर को कॉल करके। आप यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ बताया गया है कैसे कैसे करना है, वो पूरा डिटेल दिया गया है। सो इस तरह आप अपने भाई आई मोबाइल पे एप्लीकेशन यूज करके अपना आईसीआईसी डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकती हो और आपका आईसीआईसी का कुछ इस तरह का फर्स्ट लुक देखने को मिल जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आप लोगों को इसका एक टेस्टिंग वीडियो चाहिए सो मेरे को आप भाई नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को एक टेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि ये भाई वर्क करता है मशीन में या नहीं करता है। सो बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है सो नीचे कमेंट करके आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। सो होप आप लोगों को जो मैंने डिटेल दिया सब कुछ समझ में आ चुका है। सो वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।